यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दबदबा लगातार जारी है। पदक तालिका में भारत के मेडलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान भी कम नहीं है। इसी कड़ी में हरियाणा के 15 साल के छोरे ने देश को सोना दिलाकर देशवासियों को खुशी मनाने का एक और मौका दिया। उसके बाद उसने इतनी हिम्मत से आज यहाँ पे खड़ा है, हमें बहुत खुशी। ये खुशी के आंसू है और ये आंसू उन्हीं आंखों से निकल सकते हैं जो उस खुशी की अहमियत को जानते हो, जो कड़े संघर्ष के बाद नसीब हुई हो। जी हाँ, 15 साल का एक लड़का जिसने अभी अभी दुनिया को समझना शुरू ही किया है, उस 15 साल के नौजवान ने उसी दुनिया को ये समझा दिया है कि भारत के खिलाड़ियों में कितना दमखम है। दरअसल गोहाना के कसांडी गांव के रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता ठेकेदार जय सिंह के पोते अनीश भानवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 15 साल के अनीश कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हैं। वो इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। अनीश और उनकी बहन मुस्कान दोनों ही शूटिंग के जबरदस्त खिलाड़ी हैं और फाइनल में अनीश ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 30 अंक अर्जित किए, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में एक रिकॉर्ड है। हरियाणा के छोरे का कमाल। अनीश ने 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के डेविड चापमान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अनीश सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए। अनीश ने गोल्डन गर्ल मनु भाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनु ने इन्हीं गेम्स में 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। अनीश भानवाला की इस जीत से परिवार के लोग काफी खुश हैं। अनीश के घर में लोगों के द्वारा शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है और अब परिवार को उम्मीद है कि अब ओलंपिक में भी अनीश गोल्ड लेकर जरूर आएगा। मतलब 4 साल हो गए इसलिए रात दिन मेहनत करते हुए, और उसके साथ क्या तो उसके मां और उसके बाप, उसकी मां ने और उसके फादर ने पूरा संघर्ष बराबर में किया, और जिस चीज के लिए हम ये सोच रहे थे भाई यू आज थोड़े टाइम में 3 साल में इसने पूरा हाई लेवल को क्लियर करा और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में इसने गोल्ड मेडल जीता, हमारे को सबसे बड़ी खुशी यह है भाई। आज इंडिया का एक नंबर का गेम है और एक नंबर में गोल्ड मेडल जीता। अनीश करनाल के सेक्टर 6 के रहने वाले हैं और करनाल के कॉन्वेंट स्कूल से अनीश ने पढ़ाई की है। अनीश की बहन भी शूटिंग गेम खेलती है। अनीश के दादा को अब अनीश की कामयाबी के बारे में जब पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये पहले तरक्की में चलाया था, फिर उसके माँ बाप मतलब मार बाबू इसको फादर इसको 24 घंटे ले जाता था और इसको शूटिंग में फिर ये शूटिंग में डाला, फिर यहाँ से करनाल से गुरु जी मिल गए इनको, फिर उन्हें इसको जुंडला भी ट्राई कराई, एसटी स्कूल है वहाँ भी ट्राई कराई, फिर यहाँ भी कराई, फिर दिल्ली बैठे हैं। दिल्ली कई जगह मेडल जीत चुके हैं अब तक। मैं तो कई जगह मेडल जीत चुके, कम से कम 5-6 गोल्ड मेडल इसके पास हैं। दूसरी ओर अनीश की ताई ने अपने अतीत को याद करते हुए ये महसूस किया कि अनीश की ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण है। अनीश का सपना है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे और जिस तरह से अनीश अपने खेल में दिलचस्पी लेते हुए देश को गौरव का पल दे रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब अनीश को ओलंपिक खेलों में पदक लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। खबरें अभी तक के लिए गोहाना से सुनील जिंदल और KCRA की रिपोर्ट।